हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राशिद आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये है पाथ फेक न्यूज़ की। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा शेयर होने वाला एक मैसेज है जो कि बहुत ही ज़्यादा शेयर हुआ है। आपके पास भी ये मैसेज ज़रूर आया होगा कि व्हाट्सएप की तरफ से ऐसा कुछ अपडेट आने वाला है कि पहला टिक में जाएगा, दूसरे टिक में रिसीव होगा, तीसरे ब्लू टिक, जब दो ब्लू टिक होंगे तो रिसीव होगा। फिर नया अपडेट जो आया है वो तीन टिक का था। और हाँ, जो रिकॉर्डिंग का सारा मामला था वो सारा कुछ डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जी हाँ, जैसे कि आप लोग सारे लोग समझ चुके हैं कि मैं फेक न्यूज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि व्हाट्सएप में बहुत ही ज़्यादा शेयर होने वाला मैसेज हो गया है ये, और इसे रोकना होगा आप लोग सभी को क्योंकि ये एक फेक न्यूज़ है। ये मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, इसके बारे में भी डिटेल बता रहा हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से ये कन्फर्मेशन आ चुका है कि ये एक फेक न्यूज़ है। ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट नहीं करने वाली है कि कुछ भी रिकॉर्ड करें या फिर कुछ भी अपने पास रखे वो, या फिर किसी को भी आप कुछ भी मैसेज करें वो गवर्नमेंट के पास जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बिल्कुल ही फेक है। इसके बारे में मैं आपको और भी एक डिटेल में बताने वाला हूँ क्योंकि अगर कुछ भी शेयर होता है या फिर कुछ भी होता है तो अगर व्हाट्सएप में कुछ अपडेट होने वाला है तो हमारे पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें के बीटा वर्जन एक्टिवेट किया हुआ है हमारा, स्पेशली वो सारा इन्फॉर्मेशन जो कि अपडेट होने वाला है वो सबसे पहले हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि बीटा वर्जन वाले लोगों को पहला अपडेट यूज़ करने का मौका मिलता है। उसके बाद वो जब फीडबैक देते हैं कि आप ये जो एप्लीकेशन है कंपनी के आपसे पूछती है बीटा वर्जन वाले लोगों से कि ये एप्लीकेशन कैसा चल रहा है, उसके बाद वो बीटा वर्जन जो है वो सारे वर्ल्ड वाइज में अपडेट किया जाता है। तो बीटा वर्जन वालों से भी मैंने बात की है, व्हाट्सएप में ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं आने वाला है फिलहाल, और गवर्नमेंट की तरफ से भी ये न्यूज़ फेक बताया जा चुका है। तो प्लीज़ ऐसा कोई भी मैसेज के ऊपर लीव मत कीजिए और ना ही किसी और को शेयर कीजिए और ना ही बोलिए शेयर करने के लिए, सिवाय हमारे वीडियोस के। हमारे वीडियोस शेयर कीजिए ताकि वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। अगर हमारे पास बीटा वर्जन में ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन रहता तो हम आपको ज़रूर बताते, और व्हाट्सएप में आने वाले या फिर कोई भी फेमस एप्लीकेशन जो है वो सारा कुछ अपडेट होने से पहले हम आपको ज़रूर बताते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कोई भी फेक न्यूज़ के ऊपर बिलीव मत कीजिए और ना ही शेयर कीजिए। तो वीडियो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये इन्फॉर्मेशन भी जो कि करेक्ट है इसे शेयर कीजिए ताकि वो सारे लोग जो जो गलत फहमी में हैं वो सारा कुछ भूल कर नए अपडेट की तरफ ध्यान दें। ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं होने वाला है फिलहाल। व्हाट्सएप को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से जो कि प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के है। व्हाट्सएप का कहना ये है कि प्राइवेसी पॉलिसी जो उन्होंने अपडेट किया है वो ज़रूरी है यूज़र्स के लिए, और इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं इसलिए उन्होंने इंडिया में पहले अपडेट ये लाया है प्राइवेसी पॉलिसी, उसके बाद वो वर्ल्ड वाइड में लॉन्च करेंगे ऐसा वो बोल रहे हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसके वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि व्हाट्सएप यूज़ अब नहीं करना चाहिए, बंद करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ ऐसे चेंजिंग किए गए हैं जो कि पहले नहीं थे और सिर्फ वो इंडिया के लिए ही हैं। तो इसके लेकर के गवर्नमेंट से कुछ भी बातें चल रही हैं जो कि कन्फर्मेशन होने के बाद हम आपको ज़रूर बताएंगे, इसका इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे। उससे पहले ऐसे कोई भी फेक न्यूज़ की तरफ लीक मत कीजिए। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप अगर ठीक नहीं होंगे तो मेरे वीडियोस कौन देखेगा।